गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। बीच में हम लोग ग्रामर का क्लास किए, वर्ब का फॉर्म, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबका हमने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस पर वर्क किए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। कुछ देर रुक करके मैंने इसलिए ग्रामर की तरफ गया कि हम जानते हैं कि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ास करके टेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। टाइम और टेंस सिलेबस में भी है, और कम से कम टेंस का नॉलेज तो होना ही चाहिए। टाइम और टेंस फर्स्ट चैप्टर देखिए इसका कितना ज़रूरत है। तो हम ठीक अब यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम लोग छोड़े थे। ये चैप्टर में पहला वीडियो हम लोग बनाए थे, एक दो वीडियो बना है। तो फन द हेड कहानी तो आपको पता ही है, ये फ्यूचर का स्कूल है ना, पास्ट का स्कूल है। बच्चे फ्यूचर में हैं और बता रहे हैं कि किस तरह का स्कूल रहा होगा जब उनके दादाजी के दादा स्कूल जाते थे। तो ना दादाजी के दादा, एक जगह जिक्र भी है, आप अगर इसको पढ़े होंगे मिलेगा। व्हेन द ग्रैंडफादर ऑफ, जिसे देखो दे हैड हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर उसके दादा के दादा जब एक बच्चे थे उस समय का विद्यालय है ना। मतलब ये मान के चलें कि हम लोग 22वीं शताब्दी में हैं, अर्थात 21 मई 2057 के बच्चे जब इनके दादाजी के दादा एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो स्कूल जाते थे उस समय का क्या स्कूल है। बच्चे इमेजिन कर रहे हैं आज इस कोरोना के आने से, ये जो फिजिकल जो टीचिंग था, क्लासरूम जो टीचिंग था आज बंद है, और हम लोग कहीं इस 2021 में ही हम लोग 2157 का अनुभव कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर टीचर सामने नहीं, और आप बुक के माध्यम से नहीं पढ़ करके स्क्रीन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। बस यही इस कहानी में तो दिया है। दो बच्चे हैं ना यहाँ पर, मार्गी और टॉमी, उसके माध्यम से ये कहानी बनाया या जो आज हम लोग फील ही कर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मार्गी वही जो स्कूल का लड़का है जिसको एक किताब मिलता है, मार्गी एलवेज हेटेड स्कूल, और मार्गी लड़की है ना। ठीक, स्कूल से इसको हेट करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल से घृणा था, वो स्कूल नहीं जो हमारे बच्चे मार्गी के दादा के दादा, दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तो जाते थे ना। इसका अलग स्कूल है, इसका स्कूल देखिए कहाँ है आपके, इससे पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट पृष्ठ पर यही मार्गी का स्कूल है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मार्गी है, यहाँ कोई नहीं, बस कंप्यूटर का स्क्रीन है बस। आज तो हम कोरोना के कारण इस स्थिति में हम लोग आए हैं। ठीक है, तो अब समझने में दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को। तो मार्गी एलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 हम बताए थे आप लोगों को, बनवाए भी थे क्वेश्चन, कुछ बच्चे भेजे भी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो कहीं पहले से ज़्यादा इससे घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर्स उसको टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था। हैड गिवन, देखो हेड प्लस V3 है तो पास्ट परफेक्ट टेंस याद रखें। मैकेनिकल टीचर हैड गिवन, हैड बीन गिविंग, हैड बीन गिविंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है।
सब फॉर्म को याद, फॉर्म को याद कर लीजिए, और टेस्ट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहा था। इन ज्योग्राफी में एमसी हैड बीन डूइंग रॉन्ग ऑर्स एंड ऑर्स, बद से बदतर, बेड का ऑर्स होता है ना, बेड ऑर्स ऑर्स्ट, और वो और बुरा से बुरा करते जा रही थी, बहुत खराब से खराब इसका परफॉर्मेंस होते जा रहा था। हैड बीन और डूइंग लगा हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब वर्ब को याद कर लीजिए, बहुत ईजी है, लिखने लगिएगा। हर मदर्स हैड सेकेंड, जब ऐसा हुआ तो उसकी माँ ने आ करके उसके सर को हिलाया, जैसे बच्चा कोई नहीं पढ़ता है, सेक्सुक सेकेंड, ठीक है, वर्ब का फॉर्म याद, हैड प्लस बी थ्री पास्ट परफेक्ट, हिलाती है हर, एंड स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली देखिए, स्कॉर्नफुली का मतलब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कंटेम्पचुअसली मैंने घृणा से, जिसने होता है कोई अच्छा बच्चा नहीं करता है तो थोड़ा सा गार्जियन को लगता है कि अरे क्या कर रहा है, उसे घृणा होती है। स्विंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, मैंने अमूल्य का अर्थ मैंने मूल्यवान, और वर्थलेस मैंने बेकार का, कोई कुछ मैंने काम कर रहा हो तो आप दिखाने के लिए किसी के माथा को हिला देते हैं, माँ गुस्से में है इसलिए इसके स्कॉर्नफुली उसके हेड को हिलाती है। स्कॉर्नफुली एडवर्ब है जो कि सेकंड की विशेषता बता रहे हैं, स्कॉर्नफुल एलवाई जोड़ दिया, ठीक है। एंड सेंट फॉर, और बुलाती है, सेंट फॉर का मतलब बुलाना, फ्रिजल वर्ब होता है, द कंट्री इंस्पेक्टर को, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, एक छोटा सा एक, ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, वो काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है तो एक राउंड लिटिल मैन, एकदम गोल गोल छोटा सा आदमी है, विथ ए रेड फेस एंड ए वाइट बॉक्स ऑफ टूल विथ हर, विथ डायल एंड वायर के साथ, वाइट बॉक्स और टूल उसके हाथ में है, देखे होंगे पिछला टेस्ट पर होगा ही, हम लोगों का यही रोबोटिक टीचर आएगा बनाने के लिए, यहाँ रोबोटिक टीचर इसी टाइप का है लगभग, वो आता है एक आदमी और डायलॉग लेकर के मैकेनिक्स आकर के बनाता है इसको। ये स्माइल एट मार्गी, मार्गी पर मुस्कुराया वो आदमी, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब देता है। देन ही टुक आउट टीचर से पार्ट, टेक ए पार्ट मैंने अलग कर दिया, पार्ट मैंने अलग, टेक ए पार्ट मैंने टीचर को अलग कर दिया खोल के। मार्गी हैड होप्ड फॉर, मार्गी को उम्मीद था, लिख रहे हैं कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, कि इसको पुट, हाउ टू पुट मैंने रखेगा टुगेदर अगेन, इसको फिर से रख देगा, इसको ये उम्मीद नहीं था, ठीक कर देगा मैंने पुट इट टुगेदर अगेन, सबको फिर एक साथ करके रख देगा, इसको उम्मीद थी कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा हैड होप्ड, उम्मीद की हुई थी, बट ही न्यू, लेकिन उसको पता था ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर सो, और एक घंटे, आधे एक घंटे के बाद, करीब करीब, और सो का मतलब लगभग, वो आर और सो का मतलब अप्रोक्सीमेटली, एक साथ रहेगा फिर इडियोमेटिक है, और एक घंटे के करीब करीब एक घंटे के बाद उसने ठीक कर दिया ना, ये कीप न्यू ना हाउ ऑल राइट। देयर इट वाज ए कीन, देयर इट वाज ए कीन ए लार्ज एंड ब्लैक एंड ऑगली, इट वाज ए कीन लार्ज एंड ब्लैक विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सम, एक बहुत बड़ा अगली देखने में क्रू, ब्यूटीफुल का उल्टा है अगली ना, ब्यूटीफुल सुंदर अगली मैंने एकदम क्रू, विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर सम, बिग स्क्रीन विच लेसन्स वेयर सम, जिस पर क्या दिखाया गया था, लेसन दिखाया गया था, एंड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बेड, ये उतना खराब नहीं था ना, द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन वो पार्ट जिसे मार्गी को द्वेष था, मस्ट बाय द स्लॉट, इस स्लॉट का मतलब देखिए, गिवन स्पेस टाइम और पोजिशन, जो गिवन स्पेस और टाइम और पोजिशन होता है, वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क रखना होता था, एंड टेस्ट पेपर रखती थी, नो था कि होमवर्क, और कोई भी बच्चा होमवर्क है थोड़ा सा जनवे करते हैं उसे, तो
घिरना होता ही है, नहीं चाहता है, इसलिए जिस स्लॉट में होमवर्क को रखा जाता था, टेस्ट पेपर होता था, इसको थोड़ा ज़्यादा उससे हेट हेट होता था। ठीक है ना, सी एलवेज हैड टू राइट देम, उसको लिखना पड़ता था। आउट सी एलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसको लिखना होता था सारी चीज़ों को, टेस्ट पेपर को, होमवर्क को पंच कोड में लिखना। पंच कोड बनता है ना, कोड में लिखना, पंच भाषा में, कोड भाषा में दे हैड हर लर्न, जो इसको वो लोग सिखा दिए थे व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल के थे उसी समय सब कोडिंग वोडिंग उन लोगों को सिखा दी थी, उन लोगों ने उस बच्ची को सिखा दिया था। अब तो 11 साल की हो गई है, तो इसको याद था, उसमें वो रखती थी। एंड मैकेनिकल टीचर्स मैंने कैलकुलेटेड द मार्क इन ओन टाइम, और मार्क कैलकुलेटर जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था इन ओन टाइम, एकदम समय पर ही, इन ओन टाइम एकदम समय पर ही, उसको एकदम फिट समय से थोड़ा सा पहले ही ठीक कर देता था, मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था, टेस्ट बच्चा दिया एकदम बता देता था। द इंस्पेक्टर हैड अ स्माइल, इंस्पेक्टर ने मुस्काया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्क हेड, वो आया था खोल रहा था, इसमें इंस्पेक्टर ने मुस्कुराया आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो क्या हो गया कि फिनिश्ड हो गया एंड पेटेड मार्गी हेड, मार्गी के हेड को जब वो फिनिश हो गया, क्लियर हो गया, काम से निवट लिया, तो मार्गी के माथा को क्या किया, थपथपाया, काम कंप्लीट कर देने पर। ही सेड टू हर मदर्स, उसने उसकी माँ से कहा कि इट वॉज नॉट ए लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कहा कि देखिए मैडम ये छोटी लड़की का, इट इज़ नॉट ए लिटिल गर्ल फॉल्ट, से लिटिल छोटी बच्ची का गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक हो गए, मिसेस जॉन्स आई थिंक, मेरे विचार से जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है वो आज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक हो गया था ना, गियर्ड मैंने एडजस्टेड टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, गियर होता है ना, गियर में आप जैसे कैसे गाड़ी में गियर हो जाता है, तो उसको एडजस्ट हो गया था, ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल में जा कर के एडजस्ट हो गया था, है ना, थोड़ा हाई जा कर के यहाँ गियर्ड आवाज़, गियर ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा फास्ट हो गया था, गियर में चला गया था हल्का सा, जितना नहीं होना चाहिए कुछ एज के लिए। दूज थिंग्स हैपन सम टाइम, बताया कि देखिए इस तरह की चीज़ें अक्सर हो जाती है ना, कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लो इट, मैंने इसको जो थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो गया है, स्टैंडर्ड बन गया है, इसको मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि हो गया है, फास्ट हो गया था। आई हैव स्लो इट अप, देखिए इन्वर्टेड कॉम के अंदर में है, इसीलिए जो बात में बात वो डायरेक्ट में बोला है वहीं लिख दिया गया है, टू एन एवरेज कर दिया है 10 ईयर लेवल पर ला करके, ना 11 साल की है, और मैंने थोड़ा एवरेज 10 साल के बच्चों के लेवल में ला करके मैंने इसको रख दिया था, ज़्यादा तेज हो गया था, फास्ट हो गया था, इसका गियर थोड़ा फास्ट हो गया था, लिटिल फास्ट, ये छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ दिस लिटिल गर्ल, द स्पीड ऑफ दिस ज्योग्राफी सेक्टर इज मोर देन द लेवल ऑफ दिस गर्ल्स, है ना, दैट्स वाई आई हैव स्लो इट अप टू द एवरेज स्टूडेंट ऑफ 10 ईयर ओल्ड, तो 10 ईयर ओल्ड बच्चों का जो एवरेज स्पीड होता है उस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही बता रहा है वो आया हुआ बनाने के लिए, सब देखिए टेंस उन सब आप लोग ध्यान दीजिए, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द पैटर्न ऑफ, वास्तव में जो देखा जाए तो कुल मिला जुला करके ओवरऑल मतलब कुल मिला के देखें का ना, पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो इसके परफॉर्मेंस का जो इसके प्रोग्रेस का प्रगति का जो पैटर्न है वो बिल्कुल संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के माथा पर थपथपाया, पेट किया नहीं, पीठ पर थपथपाते हैं माथे पर,
मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी इस बार निराश थी ना। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वो फिनिश्ड हो जाता है कर लिया तो उम्मीद था कि चलो ये नहीं बना पाएगा, लेकिन बना दिया। तो जब ये काम इसका हो गया, सब ठीक हो गया, तो मार्गी उदास हो गई। ही हैड बीन होपिंग, ये उदास हो गई क्यों ऐसा, तो ही हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे एल टूगेदर कम्प्लीटली। वो तो उम्मीद करती आ रही थी, देख रहे हैं यहाँ भी याद कीजिए, हैड बीन प्लस बिफोर हो गया, तो हैड सब्जेक्ट हो गया, बीन लग गया भी थ्री, तो हैड क्या हो गया मैंने भी टू वर्ब हो गया, देख रहे वर्ब है तो हैड के बाद भी थ्री आ गया तो परफेक्ट हो गया, इस तो पास्ट है, भी थ्री आ गया तो परफेक्ट हो गया, ईएनजी लग गया तो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट हो गया, परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूअस। परफेक्ट कब होता है, बिना भी थ्री के तो परफेक्ट होगा नहीं, तो बी का भी थ्री क्या हो गया बिन, और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सही हो गया पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद करने में आसानी होगी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंकेड आउट कंप्लीटली। ठीक है, कि दे हैड वंस टेकन, एक बार वे लोग उन लोगों ने लेकर के चला गया था टॉमी के टीचर्स को, ना टेकन अवे लेकर चले गए थे टेक अवे, अब फॉर नियरली ए मंथ एक महीना के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक एंड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैक हो गया था, ब्लैक एंड आउट हो गया था, गायब हो गया था। तो इसको भी उम्मीद थी कि मेरा भी टीचर को लेके चला जाएगा, एक महीना के लिए रेस्ट मिल जाएगा। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए टॉमी से कही, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब कहती है कि अरे भाई सो खाए कोई लिखेगा ना, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी आस्क्ड लुक एट हर विथ ए वेरी सुपीरियर आई, थोड़ा सा एकदम थोड़ा ऊंचे नेत्रों से देखा, उसका भाव चेंज हो जाता है टॉमी का, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कहा कि अरे मूर्ख, स्टूपिड का मतलब क्या होता है मूर्ख, ये हम लोगों की जैसा स्कूल नहीं, इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, हम लोगों के प्रकार का, जिस प्रकार का हम लोगों का स्कूल है वैसा तो नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार पुराने जमाने का स्कूल है, दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ईयर एगो, उन लोगों के पास इस तरह के स्कूल सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ठीक है, ही एडेड लॉफ्टली, वो एकदम थोड़ा सा सुपीरियर आई वे में तरीका से वो एड किया, लॉफ्टली हो गया, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मैंने एकदम उच्चारण करके वो थोड़ा गर्व में सुपीरियर अंदाज में बोला कि अरे बेकूफ कहीं का स्टूपिड है ना, बेकूफ हम लोग जैसा स्कूल नहीं है, ये सौ साल से सैकड़ों साल सैकड़ों और सैकड़ों साल का स्कूल है, पहले का स्कूल है, पहले जैसा स्कूल होता था वैसा है, नहीं सेंचुरी एगो, वो शताब्दियों पहले सेंचुरी एगो। मार्गी वाज हर्ट, इसको मार्गी को थोड़ा हर्ट हुआ। ठीक है, वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस तरह का स्कूल उन लोगों के पास था दैट टाइम एगो, बहुत पहले उस समय पहले इस कैसा स्कूल था हमको पता नहीं है। सी रेड द बुक ओवर द सोल्जर, वो किताब देखिए किताब है वो दिखा रही है, दे हैड ए टीचर इट वॉज ए मैन, ये पढ़ रहा है किताब को, नहीं ये सुन रही है, इसके दिमाग में फिगर बन रहा है, देख रहे हैं ना टीचर का, ये देखो बच्चे हैं, देख रहे हैं ना, ये पढ़ रहा है, तो ये भी देखिए किताब को देखिए, दे एडेड लॉफ्टली मार्गी हर्ट, तो मैंने सी रेड द बुक ओवर ही सोल्जर, मैंने इसके कंधों से ऊपर से देखती है यहाँ से। ठीक है, फॉर ए वाइल मैंने कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल व्हेन सी
देन सेड। एनीवे जो भी हो, देख रहे हैं हिंदी लिख दी है, एनीवे जो भी हो, बात टॉपिक बदलना हो तो हम लोग एनीवे फिर भी एनीवे का मतलब फिर भी होता है, फिर भी चलो जो भी हो। दे हैड स्कूल, उन लोगों के पास स्कूल था ना भाई, चलो कोई बात नहीं है। देखिए सोच रहा है, पढ़ कर कर पढ़ रहे, सोच रही है अपने दिमाग में। श्योर दे हैड स्कूल, हाँ निश्चित रूप से श्योर दे हैड स्कूल, हाँ उन लोगों के पास स्कूल था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं था, ये नॉर्मल ऑफ द क्या है, यूजुअल काइंड हो गया, ठीक है। इट वॉज ए मेन, ये तो आदमी था, ठीक, इट वॉज ए मेन, वो आदमी था, ठीक है। नॉर्मल काइंड था टीचर, जो आज का नहीं, वो आदमी होता था टीचर। देखिए इसका टीचर कैसा है, तो इसका टीचर देखिए हो, बस रोबोटिक टीचर शुरू वाले पर इस पर आप देखने होंगे, खासतौर पर इसका टीचर यही रोबोटिक टीचर है। अब कुछ दिन में आ ही जाएगा, अब देख रहे हैं इसको तो कोरोना वरोना पकड़ेगा नहीं, आदमी को पकड़ भी लेता है, आप घर में पढ़िएगा, है ना। अब धीरे 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 बस आ रहा है इस तरह का स्कूल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना ने आकर के इस तरह का स्कूल अब ला ही देगा, है ना, दो चार दस पाँच साल में आएगा। बहुत कंट्री में तो रोबोटिक टीचर आ ही गए, है ना। आज का जो टीचर हम लोग पढ़ाते हैं इसी तरह से है, लेकिन कोरोना ने आ करके इस कंसेप्ट को तो गायब कर दिया, ठीक। अभी बच्चा सब देख रहा है पुराने ज़माने का किताब, मतलब आज का ज़माना सबके लिए पुराने ज़माना, चूँकि ये 22वीं शताब्दी का बच्चा है ना, 2157 का, ठीक। तो ही मेन, एक आदमी, हाउ कुड ए मेन बी ए टीचर, कहता है कि अरे कैसे हो सकता है एक आदमी टीचर। वेल कोई बात नहीं है, ठीक है। आई जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंक एंड गिव देम होमवर्क। वेल मैन ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बोलता होगा, देता होगा इन बॉयज और बॉयज एंड गर्ल को थिंग्स एंड गिव देम, बात करता होगा, एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उन लोगों से क्वेश्चन भी पूछता होगा, बातचीत होती होगी स्कूल में, क्वेश्चन भी पूछता होगा, होमवर्क भी देता होगा। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज। देखो आदमी उतना स्मार्ट होता नहीं, हो नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, ठीक, श्योर ही इज, हाँ होगा। माई फादर नो एज मच एज माई टीचर, ना मेरे पिताजी जानते हैं, वो उतना ही जानता है जितना कि मेरे पिताजी जानते हैं, श्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उतना तो स्मार्ट, उतना तो जानकारी नहीं रखता होगा। स्मार्ट का मतलब स्मार्ट वो नहीं जो फिजिकल अट्रैक्शन वाला बात नहीं है, यह जानकारी के लिए है कि मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, उतना तो स्मार्ट नहीं होता होगा जितना होना चाहिए। श्योर ही इज माई फादर्स नो एज मच एज माई टीचर, ना जितने मेरे पिताजी जानता है उतना ही मेरा टीचर भी। ही नो अबाउट एज मच एज आई, ना ही नो अबाउट, वो जानता है ऑलमोस्ट, ही नो ऑलमोस्ट एज मच, हाँ करीब करीब उतना जानता है। बैच मैंने बेट लगा दिया, बेट मैंने आई बेट यू इन द फास्ट स्पीच, मैंने आई एम श्योर, बेट लगाते हैं ना, दाव लगा देते हैं, आई एम श्योर, इसका आई एम श्योर के जगह पर आई एम श्योर बोलचाल में बैच, ना इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल मैंने बोलचाल में चलता है इसे, आई एम श्योर जनरली कहते हैं, मैं श्योर, ठीक, वो जानता होगा इतना। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस पर बहस करना नहीं चाहती थी, है ना, डिस्प्यूट दैट मैंने सी हैड, है ना, सी सेड उसने, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक अजनबी स्ट्रेंज मैंने कोई अनजान आदमी आए इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी थोड़ा एकदम स्क्रीम मैंने हंसी से चिल्लाया,
मैं स्क्रीम किया, स्क्रीमिंग होता नहीं चिल्लाने का विथ लाफ्टर, हंसते हुए जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, अरे मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उन लोगों का एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पर जाया करते थे, जाते थे। हम लोग जैसा नहीं है कि घर में सब रहता है, इस तरह का टीचर आता है मैकेनिकल टीचर्स या मैकेनिकल टीचर्स देख रहे हैं ना फ्लैशिंग, ऐसा नहीं है। वो घर में नहीं रहता है, वो अब तुम्हारे घर में नहीं आएगा, बस उसका स्पेशल बिल्डिंग होता है। देख इसके लिए है, टीचर्स लोगों के लिए है। तो दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग इन ऑल द किड्स, और सारे बच्चे किड मैंने बच्चे चिल्ड्रन में जाते थे, ठीक है ना। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारी बच्ची एक ही चीज़ पढ़ते थे, ठीक है। शो इफ दे वर द सेम एज, अगर वो तो सभी निश्चित रूप से वो लोग सारे एक ही एज के होंगे, काश ना। इफ क्या वो एक ही एज के थे, इफ दे वर द सेम एज, सभी लोग एक ही एज के हुआ करते थे ना। तो नाउ आई फिनिश माई लेक्चर सीयर्स, वीडियो लेक्चर सीयर, यू सी दिस लेक्चर्स एंड रीड दिस बुक अगेन अगेन, आप लोग पढ़िए। एंड मेनी वर्स यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, लेकिन मैं फिर वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप सबसे गुजारिश करूँगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू शुड लर्न टेंस, आप लोगों को टेंस पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं जगह जगह हम लोग देख रहे हैं पास्ट सिंपल का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग। कहानी जब भी लिखा जाता है तो पास्ट में, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को होना चाहिए याद। तो हम इसी उम्मीद के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हुए है ना आप लोगों को ये कहेंगे कि जो मैंने लेक्चर यहाँ वीडियो में दिया है, समझाया है, उसको समझने का प्रयास कीजिए और टेंस को रिवाइज कीजिए। टेंस अगर याद रहा, हम लोग समझ रहे हैं टाइम टेंस को, वर्ब के फॉर्म को, तो बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कठिन वर्ड जो भी है वो तो देखे रहे, जो भी कठिन कठिन जो भी वर्ड है साइड में तो दे ही दिया गया है, और कोई खास और भी कठिन वर्ड हो तो हमसे आप पूछ सकती हैं। और एक डिक्शनरी भी घर पर रखिए, उस चीज़ को कॉपी में लिखते चलिए, ये बहुत सुविधा होगा। देखिए सारे चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर दिया गया। नाउ वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।